तो दोस्तों काफ़ी कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर ये पाम स्वाइप टू कैप्चर ये काम ही नहीं कर रहा। पहले मेरे को भी यही दिक्कत आई थी भाई, जब मैं स्वाइप करता था ना कुछ हो ही नहीं रहा था, स्क्रीनशॉट वगैरह कैसे लेना है। तो फिर मेरे को समझ में आ गया, तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो भी बना दी, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम इशू आ रहा था कि अगर आप सैमसंग का फ़ोन डिवाइस ऑन करते हो और स्क्रीन शॉट लेते तो ये पाम स्वाइप टू कैप्चर मतलब ऐसे करके जो स्वाइप करते जैसे स्क्रीन शॉट हो गए ये आपका काम नहीं कर रहा। ये मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो ये यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सिर्फ ये स्क्रीन पर पूरा टच होना चाहिए, ये वाला पार्ट टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एज लगानी है तो मतलब सिर्फ ये इस साइड का ऐसे लगाना है सीधे उसमें, और ऐसे आपको स्वाइप करना है, ठीक है। जैसे अब मैं करके दिखाऊंगा, सिर्फ ये लगाया और ये कर दिया स्वाइप और ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप अगर ये सारा लगाएंगे, ये देखो सारा मैं लगा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होगा। पर जैसे अगर मैं सिर्फ ये नीचे का लगाऊंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, और ऐसे कर दिया, ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ से यहाँ तक का पार्ट यूज़ करना है और ऐसे करके स्क्रीनशॉट आपका हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फिर से स्क्रीनशॉट। और ये सेटिंग कैसे ऑन करनी है इसकी, ये मैं बता देता हूँ। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस फीचर्स में, फिर आपको जाना है मोशन एंड जेस्चर में, और लास्ट में आएगा पाम स्वाइप टू कैप्चर। तो इसमें थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट तो है नहीं इनबिल्ट जो सैमसंग के डिवाइसेज है, पर ये वाला पाम स्वाइप टू कैप्चर एक एडवांस फीचर दिया हुआ, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी हैंडी रहता है, ये आप असिस्टेंट बॉल की यूज़ कर असिस्टेंट मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये वाला बटन आता है ये पावर प्लस वॉल्यूम डाउन। तो अगर ये आपको वीडियो सहायता मंद लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।